गोवर्धन क्षेत्र के गांव जतिपुरा में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में संजू पुत्र पप्पू और उसके पिता को सर में चोट आई। झगड़े के बाद चोटिल व्यक्तियों को गोवर्धन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोटिल संजू ने बताया कि जतिपुरा के बैंक वाला मोहल्ला के रहने वाले सोनू बिजना के राजनाथी शंकर श्याम सिंह आदि ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। वहीं उसने यह भी बताया कि उसकी बहन बेटियों को लेकर आरोपी व्यक्ति छींटाकशी करते हैं, जिसे लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका है और गाँव वालों ने उस समय पहले भी राजीनामा भी करा दिया था। अब दोबारा से दबंगों द्वारा छींटाकशी का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। ये पांच लोग घायल हैं, एक लेडीज है, इसमें छह हैं सब। इनको घर पे आके नहीं आया, पप्पू और पप्पी को लड़के ने फरसा और कुड़ाली लेके नहीं आया। दुकान पे बैठे हुए को उनको इन्होंने काट पीट की है। इन्होंने बंदूक भी लेके आया, वो हसन सी बंदूक है उसके पास में, और पांचों बाप बेटे वो आके नहीं है, इनको कुड़ाली और उससे काटा है और फायरिंग भी की है उसने आके। घटना कोई वजह नहीं थी, वो जा रहे थे, ये अपने घर पे बैठे थे, आते ही इन्होंने, मतलब मैं भी इनका भाई हूँ, ताऊ का बेटा हूँ, आते ही इन्होंने कूट पीट कर दिया। दूसरे घर से जब तक मैं आया हूँ तब तक तो इनको फोड़ दिया है। वहाँ गाँव की बहुत पब्लिक खड़ी हुई है, वहाँ बंदूक के मारे कोई सामने नहीं पड़ा एकदम से इनको। नहीं सर, पुरानी कोई रंजिश नहीं है अभी की, ये आज का बिल्कुल ही ताजी मामला है, कोई पुरानी रंजिश नहीं है इनकी। हाँ जी हाँ, गोवर्धन रिपोर्ट दर्ज करा दिया। कितने लोग थे वो? पांच लोग हैं साहब, चार बेटे हैं और एक बाप है उनको। आज हमारे यहाँ करीब 10 बजे पुलिस द्वारा पांच मरीज लाए गए जो जतिपुरा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनमें कुछ आपसी विवाद हुआ, जिसमें दो की गंभीर हालत है और हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि कुछ दबंग लोगों पर उन्हें चोटी चीज से उन पर प्रहार किया गया था, क्या रहा उनका, कुछ कह सकते हो? हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। आगे की स्थिति वहीं पता चले।